हेलो एवरीवन, आज हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे बाय मल्टीपल्स ऑफ 10। अब ये मल्टीपल्स ऑफ 10 क्या है? अगर कोई भी हमें नंबर गिवन हो और उसके हमें मल्टीपल्स निकालने हो, यहाँ पे हमें नंबर क्या गिवन है 10, तो अगर हम इसके मल्टीपल्स निकालने हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन नंबर्स। ठीक है, अगर मैंने 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 10। अब मैंने 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 20। तो अगर मैंने 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 30। अगर मैंने 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 40। सो इट्स 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, जैसे जैसे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो ये सारे नंबर्स क्या है? मल्टीपल्स हैं किसके? 10 से। ओके, सो आज हम सीखेंगे कि अगर हमें कोई भी गिवन नंबर हो, ठीक है, और अगर हमें उसे मल्टीप्लाई करना है मल्टीपल ऑफ 10 से, तो हम उसे कैसे मल्टीप्लाई करें। ओके, अब मेरे पास नंबर है 31 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, अब अगर मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है तो आप यहाँ पे देखो 10 में कितने जीरो है? 1। सो 10 मैं राइट हैंड साइड पे लिख दी, और उसके बाद 31 और यहाँ पे क्या बचा? 1। सो 31 को 1 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर आता है, दैट इज 31। सो हमारा आंसर कितना आ गया? 310। इसी तरीके से अगर हम 99 को मल्टीप्लाई करें 100 से, तो 100 में हमारे पास कितनी जीरोज है? 2। तो 2 जीरोज हम राइट हैंड साइड पे लिख देंगे, और 99 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 99। सो कितना आंसर आ गया? 9900। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ऐसा क्यों करें। सो अगर 31 मल्टीप्लाई बाय 10 अगर हम वैसे करके देखें, सो यहाँ पे देखो 0, 1 पे क्या है? 0। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0। अब यहाँ पे जो 1 है ये कौन से प्लेस पे? 10th पे, तो 1th पे कुछ नहीं है तो आ गया 0। अब ये जो 10th है क्या है? 1 जो कौन से प्लेस पे? 10th पे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3, हमारा आंसर कितना आ गया? 310, है ना। अब इतना लंबा मल्टीप्लाई करें, इससे अच्छा हम क्या कर दें? डायरेक्ट कर दें, 31 मल्टीप्लाई बाय 10 है, यहाँ पे क्या है? 1 पे 0 है, तो यहाँ पे 1 पे हमने 0 लिख दिया और बाकी हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। इतना लेंदी करने के बजाय हमने क्या लिया? शॉर्टकट। ओके, अब इसी तरीके से मुझे अगर 7 को मल्टीप्लाई करना हो 1000 से, यहाँ पे 1000 में कितनी जीरोज है? 3। तो 3 जीरो मैंने एज इट इज लिख दी, और 7 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ गया? 7। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय 20। ओके, अब ये जो 20 है मल्टीपल ऑफ 10 है, क्योंकि 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20। अब यहाँ पे एक जीरो है तो 10 लिखा। अब जो बचा नंबर 24 और यहाँ पे बचा नंबर 2, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। सो 24 जा 8 एंड 22 जा 4, हमारा आंसर कितना आ गया? 480। ओके, इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट करूं 12 मल्टीप्लाई बाय 600, तो यहाँ पे 2 जीरोज है तो 2 जीरोज एज इट इज, ठीक है। अब 12 को 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, है ना, 1 कैरी, और 6 1 जा 6 प्लस 1 7, तो कितना आ गया? 7200। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 18 मल्टीप्लाई बाय 3000, ठीक है। सो 4 डिजिट नंबर को इतना लेंदी हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं 3000 लिखूं मल्टीप्लाई बाय 18, है ना। सो इतना लेंदी मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, कैसे? 3 जीरोज है तो 3 जीरोज एज इट इज, और 18 को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 3 से। सो 3 8 जा कितना होता है? 24, 4 हेयर एंड 2 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 2 दैट इज 5, तो कितना आ गया? 54000। अब मेरे पास नेक्स्ट नंबर्स हैं 10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 17। यहाँ पे 2 मल्टीपल्स है 10 के, एक तो 10 और एक हो गया 17। अब यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक है, तो 2 जीरोस हमने राइट हैंड साइड पे लिख दिए। अब 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 42।
हमारा आंसर कितना आ गया 4200। इसी तरीके से हम इजीली विदाउट लेंथी प्रोसीजर के हम जो है कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसके साथ, मल्टीपल ऑफ 10 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।